नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। गोवा शिक्षा निदेशालय ने पहली से आठवीं के छात्रों को वर्ष 2020 से 21 की अंतिम परीक्षाएं घर से देने की अनुमति दी। गोवा शेल मिलावली के आंदोलनकर्ताओं पर दर्ज हुए FIR के मामले DGP मुकेश कुमार मीणा ने क्राइम ब्रांच को सौंपे। RSS के पूर्व संघचालक SB विलिंगकर ने BJP पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। दृष्टि जीवन रक्षकों द्वारा कल कलंगुट और कांडोलिम समुद्र तटों पर कुल 4 व्यक्तियों को बचाया गया। गोवा फाउंडेशन द्वारा आवेदन करने पर CEC की टीम मोलेम में प्रस्तावित 3 परियोजनाओं का निरीक्षण करेगी। मुख्यमंत्री सावंत ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर, कच्चे तेल में चौथे दिन तेजी जारी। 9 जनवरी को होगी अन्नाद्रमुक की जनरल काउंसिलिंग की बैठक। भारत बायोटेक ने बनाई कोरोना की नेजल वैक्सीन, DCGI से मांगी ट्रायल की इजाजत। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 15 लोग अस्पताल में भर्ती। कृषि कानूनों के खिलाफ 32 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेस सांसदों से मिली प्रियंका। UK से 250 यात्रियों को लेकर आई एयर इंडिया की फ्लाइट। नेपाल ने भारत से सभी पोल्ट्री उत्पादों का आयात बंद किया। सुशांत केस में बॉम्बे HSC ने दिवंगत अभिनेता की बहनों की ओर से दायर मामले में सुनवाई की।